चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से दुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा का स्वरूप कहलाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी माँ की कृपा सदा बनी रहती है। वहीं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त मंदिरों में माता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में, और आइए हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे रेवाड़ी का। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, जरा वहां के बारे में बताइए और किस तरह से यहां भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है नवरात्रि के आज दूसरे दिन। जी बिल्कुल, आज नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि है उसका दूसरा दिन है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी के 12,000 में स्थित सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर है। इस सबसे पुरानी जो दुर्गा माता की प्रतिमा है वो इसी मंदिर में है। सिद्धपीठ मंदिर इसे कहा भी जाता है क्योंकि यहाँ पर एक त्रिशूल है जिसपे मात्र कलावा बांधने के बाद जो भी पब्लिक मनोकामना मांगती है, भक्त की, वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा होती है उसकी पूजा करने, अर्चना करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि माँ ब्रह्मचारिणी को है जो माँ पार्वती का रूप माना जाता है और आज उस सफेद वस्त्रों के अंदर माँ ब्रह्मचारिणी जो है विराजमान होती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के पंडित जी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ विशेषता है आज के दिन की और क्या है पंडित जी क्या कुछ विशेषता है आज के दिन की। आज माता रानी की कृपा से ब्रह्मचारिणी जी का आज पूजन होगा और भगवती कृपा से कल प्रथम दिन के भक्तों का खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भक्तों ने और आज सुबह से ही खूब भक्तों का आवागमन है और ब्रह्मचारिणी जी का भव्य पूजन करने के लिए विराजमान बैठ रहे हैं, ब्राह्मण देवता बैठ रहे हैं और माँ का सफ़ेद वस्तुओं से आज प्रसाद बांटा जाएगा। सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद है, बर्फी जैसे शक्कर का, शक्कर आदि का जो है माँ का भोग लगेगा और ऐसे करके माँ का पूजन होगा। जैसे दो नवरात्र होते हैं, एक चैत्र नवरात्र, एक श्राद्ध नवरात्र, चैत्र नवरात्र क्या विशेष महत्व है? ये जो नवरात्रि है यहाँ से हमारी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण यहीं से प्रारंभ हुआ था। ये जो धराधाम है, मृत्यु लोक है, यहाँ की जो हम मानव का जाति है और मानव जाति की उत्पत्ति और धरती का यहाँ से चलन हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इसी प्रतिपदा से शुरू किया था, इसलिए नवचैत्र की नवरात्रि। और इसके बाद भगवान राम ने राक्षसों पर विजय भी प्राप्त की थी तो इसी समय सभी राक्षसों से विजय प्राप्त हुई थी और माँ ने अपने 9 रूपों में अलग अलग राक्षसों का वध किया था तो उन सभी शक्तियों का अलग अलग रूप में पूजन होता है। तो ये पंडित जी को भी आपने सुना कि जो ब्रह्मांड है उसका जो शुरुआत है वो इसी नवरात्रों से हुई थी और माता के 9 रूपों की जो है नवरात्रि में पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है रेवाड़ी के 12,000 स्थित श्री सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में। भक्त अपनी मनोकामना लेकर के नवरात्रि में भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी रहती है, तांता यहाँ पर लगा रहता है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं नवीन की मंदिरों में जो माता के भक्त हैं वो सुबह से ही पहुँच कर माता का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इसी बीच हम चलेंगे जींद। परमजीत पवार हमारे संवाददाता वहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर आज माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। बिल्कुल जीता, देखिए आज जो है माता रानी का दूसरा जो है नवरात्र है उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी छोटे मिल रहा है फिलहाल। हालांकि मैं मेरे गांव है, ये मंदिर है, सिर्फ
संकटा में भी मौजूद हूँ, लेकिन मैं जिन की अगर बात करूँ तो सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस प्रकार से कल हमने जब दिखाया था कि जो भगत जी हैं वो काफ़ी उत्साह जो है उनके अंदर देखने को मिल रहा है, उनका ये कहना है कि हम जो है लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जो है नवरात्र कब आएंगे, और वो दिन आ गया तो हम जो है बड़े खुश हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो है माता के व्रत रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये 9 दिन ही जो है जो भगत जन है वो अपनी जो है माता का व्रत रखते हैं, कुट्टू का आटा खाते हैं, और हालांकि मैं आपको बताऊं फल जो है वो लेते हैं। तो हालांकि जो मंदिर के पुजारी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो जींद का जो जयंता देवी मंदिर है उसको चमेली और गुलाब के फूलों द्वारा सजाया गया है, पूरी तरीके से जो है पूरी तैयारियां जो है पहले से ही नवरात्रों की कर ली थी, और उसको लेकर जो है भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और महिलाएं सुबह से ही यहाँ पे जो है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जब बात करें जब कोरोना काल था तो उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोई त्यौहार या कुछ भी जो है सभी मंदिर के जो पहाड़ है वो बंद थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल सरल रूप से ठीक चल रहा है, तो लगातार जो है भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जींद मंदिर के जैसे मैंने आपको बताया जो जयंता देवी मंदिर जिसके नाम से ही जींद पड़ा था, जयंता देवी मंदिर वो बहुत ही पुराना मंदिर है, पांडवों ने भी जो है विजय प्राप्त के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, और देखिए लगातार जो है श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल परमजीत, और हम इसी बीच करनाल का रुख करना चाहेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग करनाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप बताइए करनाल में आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, माता के दर्शन भी आपके जरिए हम वहां से करना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी कि क्या विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्या खास व्यवस्था की गई है दर्शनों के लिए। जी बिल्कुल अजीता, भक्तों को श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा जिसका इंतजार रहता है वो होते हैं नवरात्रि, और आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं करनाल के सनातन धर्म मंदिर में, और मंदिर को सजाया गया है क्योंकि माता रानी की पूजा होती है, और सुबह से ही जो भक्त हैं श्रद्धालु हैं रोजाना की तरह आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है नवरात्रों का, ब्रह्मचारी रूप कहा जाता है, और अगर जिंदगी में कोई भी विपदा आ रही है, कोई भी मुश्किल आ रही है, कोई भी संकट आ रहा है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से वो संकट वो मुसीबत दूर हो जाती है और हमें विजय की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से पहुँचे हुए हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी की जब पूजा होती है तो क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है, और किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, और क्या महत्व है आज के दिन का। पंडित जी, अगर आज के दिन की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है, क्या महत्व है, कुछ बताएं इनके बारे में। वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, ये चैत्र का एक आश्विन का, ये चैत्र मास का हमारा नवरात्र है, इसमें उसे नवदुर्गाओं के पूजा होती है, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडी, चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमादि, सप्तम कात्यायन, सप्तमम कालरात्रि, नवदुर्गा प्रसिद्धा। ये नव दुर्गाएँ हैं, मनोह माताएँ हैं, इनका प्रादुर्भाव जो है महिषासुर को जब वध करने के लिए सभी देवता जब नहीं कुछ उपाय मिला तो सबने अपने अपने शक्ति के बल पर एक देवी का प्रादुर्भाव किया, वो दुर्गा के रूप में आई और उनके 9 दिन का रूप बनाया गया। पहला दिन तो शैलपुत्री हिमाचल की पुत्री के रूप में, ये सब सारे रूप तो हिमाचल की पुत्री ही हैं, वही माता पार्वती ही हैं, लेकिन अलग अलग रूप में ये अलग अलग चीज़ें की हैं। आज के दिन का क्या, आज का दिन जो है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्म माने होता तपस्या, चारिणी मतलब आचरण करने वाली, ये ब्रह्मचारिणी उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों दसों हजार वर्ष तक तपस्या की, और उस तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका आज के भाव यही है कि माता की पूजा सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और शुद्ध विचार से करना चाहिए,
इसमें जो है हर एक चीज किसी भी कार्य को करना चाहे उसमें सफलता मिलती है। अगर हम तप करेंगे, त्याग करेंगे, तो हमें तरक्की मिलेगी, विजय प्राप्त हो गई। देखो आज कलयुग में तप की भावना तो बहुत कम है, इसमें भाव होना चाहिए। कलयुग में सिर्फ भाव हो तो प्राप्ति हो सकती है, हमें फल अच्छा मिल सकता है। तपस्या करना तो आसान काम, मुश्किल है। व्रत करने के लिए तो लोग पूछते हैं खाता खाना क्या है, एक छोटा सा व्रत करने के लिए इस व्रत में खाते क्या है, ये पहला प्रश्न होता है। तपस्या तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हम भाव शुद्ध रखें। भगवान या देवी माता सब यही कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। तो ये जी आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे माता रानी की पूजा और आज दूसरा नवरात्रा? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा नवरात्रों पे। मंदिर में आते हैं, पंडित जी ने भी जो कहा बहुत बढ़िया कहा, मतलब सबसे पहले लोग यही पूछते हैं इस व्रत में क्या खाना है, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, भाव होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में तांता लगा हुआ है क्योंकि सभी श्रद्धालु आशीर्वाद लेना चाहते हैं माता का। और आज दूसरा दिन है नवरात्रों का, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, ब्रह्मा का जिन्हें स्वरूप कहा जाता है। और अगर हम अपना भाव शुद्ध रखते हैं तो फिर हमें विजय और तरक्की की प्राप्ति भी होती है। जी अजीता, बिल्कुल ठीक है हिमांशु, आप रहिए हमारे साथ, हम चलेंगे रेवाड़ी अपने संवाददाता नवीन शर्मा के पास। नवीन, अगर वहां पर कुछ श्रद्धालु हो तो थोड़ा उनसे भी बात करेंगे, और एक बार फिर से अगर आप पंडित जी के पास जा पाए तो उनसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि किन बातों का विशेष महत्व है आज दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो विशेष तौर पर फलदायी हैं। जी बिल्कुल अजीत, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर भक्तों की जो भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। इस वक्त ये माता का दरबार है, इसमें पुजारी भी मौजूद है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं क्या है, क्या कुछ विशेष महत्व है इस मंदिर का, क्या नाम है? हाँ जी, कृष्ण कुमार लखेरा, आज हमारा दूसरा नवरात्रि का, इस दिन माँ शक्ति पीठ का नवरात्र है। इस दिन दूर दूर से लोग दुर्गा मंदिर में आते हैं और अपनी भावनाओं को अनुरूप यहाँ पे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर एक त्रिशूल भी है, वहाँ पे धागा बांध जाता है जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर हमारा देश प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है और यहाँ पे सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई है। तो आपने सुना कि ये मंदिर जो है देश प्रदेश में भी प्रसिद्ध होता जा रहा है क्योंकि मंदिर की आस्था जुड़ी है, आपको दरबार की एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो भक्तजन मौजूद है और यहाँ पर पुजारी जो है लगे हुए। यहाँ पे सबसे विशेष बात जो है आपको बताएं कि यहाँ पर एक त्रिशूल है जिस त्रिशूल पर मात्र कलावा बांधने से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बार दोबारा हम पंडित जी का रुख करेंगे क्योंकि उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर विशेष महत्व क्या है इस ब्रह्मचारिणी रूप की जो पूजा की जाती है, इसका विशेष क्या मान्यता है। एक बार दोबारा पंडित जी का रुख कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या विशेष महत्व है आज के दिन की ब्रह्मचारिणी की जो पूजा की जाती है। जी जय माता दी, आज ब्रह्मचारिणी जी का पूजन हुआ। पूर्व काल में माँ पार्वती ने कई हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की थी, वो ब्रह्मचर करके और तपस्या हजारों साल तपस्या करके उन्होंने उस चीज़ की सिद्धि प्राप्ति की थी, इसलिए आज ब्रह्मचारिणी जी का वैसे ही माँ पार्वती का पूजन होगा और भक्तों द्वारा माँ का सफ़ेद वस्त्रों का भोग लगेगा। जैसे एक विशेष रहता है कि नवरात्रि में ये तो पूछा जाता है कि पूजा खाना क्या है, किस तरीके की परहेज रहते हैं व्रत में, लेकिन किस तरीके की पूजा पाठ इसमें विशेषकर महत्व रहता है इस चैत्र नवरात्रि में? चैत्र नवरात्रि में विशेषकर माँ की आराधनाएं होती हैं और अलग अलग भक्तों की कामनाओं के द्वारा अलग अलग भक्तों की जो है मनोरथ सिद्धि के लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं और अलग अलग तरीके से लोग उनका पूजन करते हैं और व्रत के भी अलग अलग विधान हैं। जैसे माता रानी के 9 दिन कोई पूरी तरीके से व्रत रहता है जो कि पानी पी के सिर्फ जलाहार होता है, कई लोग शाम को व्रत में शाम को जो है फल प्रसाद भी ले लेते हैं, ऐसे करके माता पूजन किया जाता है। और देखिए यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि मंदिर में आकर किस तरीके की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है इस 12 जारी मंदिर में। क्या नाम है आपका? रामजी संजय सहगल है। क्या कुछ बताएंगे इस विशेष मंदिर के बारे में? भाई इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ के जो दिल से मांगोगे माता रानी उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करती है और बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़े बुजुर्गों ने इसी टाइप को बनाया था और आस्था का शहर में आस्था का माता रानी में जो लोग आस्था रखते हैं वो जरूर आते हैं। सिद्धपीठ मंदिर भी माना जाता है इस मंदिर को, तो किस तरीके से आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर के लोगों?
लोग रोज यहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है जी देखो, और अब दिन निकला है देखो धीरे धीरे कैसे यहाँ पे लोग आएंगे और अपने मतलब माता रानी को मत्था टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना की मांग रखेंगे माता रानी। तो आपने श्रद्धालुओं को भी सुना कि विशेषकर इस मंदिर का महत्व ये है कि इसे सिद्धपीठ मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के मंदिर है वहाँ से ज्वालामाई की जो जोत लाई जाती है उसके बाद इस मंदिर के अंदर उसे विराजमान किया जाता है। और नवरात्रि से यहाँ पर विशेषकर एक त्रिशूल है जो दरबार के अंदर, उस दरबार में अगर त्रिशूल पर मात्र कोई नाल भी बांधकर मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल नवीन, हम चलेंगे परमजीत पवार के पास जिनसे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। परमजीत, वहां पर अगर कुछ श्रद्धालु मौजूद हों तो थोड़ा उनसे भी बात करिए आज के दिन के बारे में। बिल्कुल अजीता, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है? कपिल जी। क्या कहेंगे जो आज दूसरा नवरात्रा है माता रानी का, आप भी मंदिर में पहुंचे? हाँ, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और अपनी विनती मैया के सामने रखी। तो क्या मांगे आज आपने? मैं दसवीं कक्षा की परीक्षाएं दी हैं, दसवीं कक्षा की परीक्षाएं दी हैं, पेपर दिए हैं, उन्होंने पास होने की विनती मांगी। तो सुबह से ही यहाँ पे आए थे? हाँ, सुबह से। अजीता देखिए, इनका ये कहना है कि हमने जो है दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी और हम माता से प्रार्थना ये करने आए कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो है अच्छा आए, हम रिजल्ट में पास हो, तो ये इन्होंने माता से मांगा है। लेकिन हालांकि देखने वाली बात हो गई है तो जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अजीता देखिए, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से जो जैनदेवी मंदिर है, जींद का ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम जैनदेवी मंदिर से ही जींद का नाम जींद पड़ा था, तो वहां पे जो है कौरवों ने, जो पांडवों ने जो है विजय के लिए वहां पे यज्ञ किया था और तपस्या यज्ञ किया था। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई जब हुई थी तो पहले जो है पांडवों ने वहां पे आके विजय के लिए जो है वहां पे जो है यज्ञ किया था। और उसी दौरान जो है प्राचीन, ये पूरा प्राचीन मंदिर है और काफी समय से जो है ये मंदिर है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए, सुबह से ही जो है भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। हालांकि मैं प्राचीन मंदिर जो जैन के मंदिर की बात कर रहा हूँ, जैनतादेव मंदिर की, तो फूलों और चमेली के फूल, गुलाब और चमेली के फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है। पहले से ही पूरी जो मंदिर की जो मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। और परमजीत, आप तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? हम चाहेंगे अगर आपके जरिए दर्शन हो जाए माता के तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल भोलेनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे मौजूद हूँ। हालांकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो जैनता देवी का मंदिर है जींद में, मैंने उसकी बात की क्योंकि ये मंदिर भोलेनाथ का है, तो भोलेनाथ को पाने के लिए ही माता ने जो है तपस्या की थी। तो भोले हैं। और देखिए, मैंने आपको कहा कि जो जींद का जैनता देवी मंदिर है उसमें काफी जो है रौनक लगी हुई है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। और भक्तों का भी ये कहना है कि हम जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब माता रानी के नवरात्रे आए और हम जो है मंदिरों में जाके अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो है माता रानी के सामने अपनी जो है बात रखें और वो हमारी बात सुने। बिल्कुल, शिव और शक्ति की साथ में पूजा होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा परमजीत, अगर माता की पूजा होती है तो साथ में भगवान शिव को नहीं भूला जा सकता। हिमांशु नारंग के पास चलते हैं एक बार फिर से करनाल। हिमांशु, कहाँ कहाँ से इस मंदिर में जहाँ आप मौजूद हैं लोग अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आते हैं? देखिए अजीता, करनाल में जो कुंजपुरा रोड है, मेन बाजार है, वहां पर ये मंदिर है और सुबह से ही यहाँ पर भक्त आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि किसी को दफ्तर जाना है, किसी को बिजनेस के काम से जाना है। और हम उसी मंदिर में एक बार माँ के दर्शन जो तमाम दर्शक हैं उन्हें करवा देते हैं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है, तो जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो माँ को पहनाए जाते हैं, साथ ही साथ जो सफ़ेद चीज़ें
हैं उनका भोग माँ को लगता है। बात तप की है, बात त्याग की है और उसी के जरिए समृद्धि आती है, तरक्की आती है, हमें विजय प्राप्त होती है। लेकिन आज के समय में तप करना, त्याग करना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो अगर हमारा भाव भी ठीक रहेगा तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की भी लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने ही तप किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और उसके बाद माँ पार्वती का विवाह होता है भोलेनाथ के साथ। तो 9 माताओं की पूजा होती है। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी मंदिरों के अंदर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और ये करनाल का सनातन धर्म मंदिर है और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। आगे भी जो नवरात्रे आएंगे, चाहे वो नवरात्रों का तीसरा दिन होगा, चाहे वो नवरात्रों का चौथा दिन होगा या पांचवा दिन होगा, अलग अलग जगहों पर माता के जागरण, माता की चौकी देखने को मिलती है। उससे पहले प्रभात फेरी निकाली जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, माँ की पूजा अर्चना करें और माँ सबसे खुश हो जाती है। अगर माँ के प्रति भाव सबका ठीक रहता है और वो आकर कोई भी मनोकामना मांगते हैं, कोई भी विश मांगते हैं, तो माँ उसे पूरा जरूर करती है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही पावन और पवित्र ये 9 दिन और सभी जो भक्त हैं जाहिर है वो माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं और माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना सिद्ध करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करनाल से, रेवाड़ी से आपका भी शुक्रिया नवीन, और जींद से परमजीत पवार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है। माता का ये दूसरा स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप, और ये 3 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 3 ही तस्वीरें माता के मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। माता से सुख समृद्धि की कामना के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुटी हुई है। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है, खास साज सज्जा की गई है और विशेष इंतजाम भी किए गए हैं श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए।